जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जान की जरूरत है जैसे, जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। जहां दर्द है वहीं जीत है, जरूरत है जैसे साज की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पिस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। बस रोकते। अच्छा यार मैं चलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अरे रुक यार, एक सिगरेट तो पी लेने दे। माचिस। ए मास्टर,
अरे हम माचिस देना। ए बड़े बाप के बिगड़े पिल्ले, सर मुंडवाने का इतने शौक है तो साथ में उस तरह क्यों नहीं रखता? 20,000 की गाड़ी और 20 पैसे की माचिस नहीं, ले जला। ए ए ए मास्टर, कल रात को मैंने एक सपना देखा, वो सुबह वाला सपना यू नो, जो कभी कभी सच भी हो जाता है, वो वाला। क्या क्या देखा? मैंने देखा एक बहुत अच्छी एयर कंडीशन टेलरिंग की दुकान है और मैं परेशान हो गया। मैंने पूछा लोगों से ये किसकी है, है? पता है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा ये मास्टर की है। हाँ, और उसके बिल्कुल बाजू में एक आलीशान बंगला भी देखा और मैं और परेशान हुआ। मैंने पूछा लोगों से ये किसका है, पता है लोगों ने क्या कहा? मास्टर का। क्या बात कर रहा। और बिल्कुल बंगले के बाहर मैंने 3 मर्सिडीज गाड़ियां देखी और मैं और परेशान हो गया। मैंने पूछा लोगों से ये किसकी है, पता है लोगों ने क्या कहा? मास्टर की। अच्छा, उसके बाद मैं बंगले के अंदर गया, बंगले के अंदर मैंने बहुत भीड़ देखी मैंने, और परेशान होकर लोगों से पूछा ये भीड़ किसके लिए? मास्टर के लिए। और उसके बाद मैंने वहां पे एक सफेद चत्तर में लाश देखी। हाँ, और वो मैंने पूछा लोगों से ये लाश किसकी है, तो पता है लोगों ने क्या कहा? मास्टर की। देख, तेरे को कितनी बार मैंने मना किया कि मेरे सामने ऐसी बात मत किया कर। तेरे को कितनी बार बोला मैं? देख, मेरे को मौत से बहुत डर लगता है। तेरे को बोला ना, मैं बोला ना, अब कभी मेरे सामने ऐसी बात। और तू इस बिगड़े पिल्ले के साथ भटकता रहे रात भर। अरे मास्टर, मैं तो रोजी कमाने गया था। क्यों, क्या बात है? क्या बात है? तेरे को किसी की फिक्र है या नहीं? जानता है क्या हुआ? तेरा बाप आया था गाड़ी में बैठकर, तेरी माँ के साथ बहुत देर तक बातें करता रहा। फिर पता नहीं थोड़ी देर के बाद तेरा बाप चला गया, लेकिन तेरी माँ पागलों की तरह ट्रैफिक की तरह भागी। वो तो अच्छा था जो मैं था वहां, बचा लिया उसको, वरना। मैं आऊं? नहीं। माँ, क्या हुआ है माँ? ये सब क्या हो रहा है माँ? माँ, तुम्हें मेरी कसम, माँ बोलो क्या हुआ है माँ? माँ, माँ तुम बताओगी नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है? हाँ माँ, माँ क्या हुआ है माँ? इसे निकाल। इन सारी चीजों के साथ इसे भी देखे आ, और साथ में यह भी कहा कि अब और मैं उनका इंतजार नहीं करूंगी, बहुत कर लिया, बहुत। कहीं अंदर मेरे एक हाथ जिंदा थी कि वो वापस लौट आएंगे, इसलिए मैंने उनकी सारी की सारी चीजें इस घर में वैसे के वैसे छोड़ रखी थी। मगर अब नहीं। अब क्या किया है मेरे बाप ने तेरे साथ माँ? बोल माँ, क्या किया है? कुछ नहीं बेटे, तेरा बाप शादी कर रहा है आज इसी बात। कांग्रेस
शादी मुबारक हो रहा था। अरे भैया हम तो एक ही शादी से परेशान हो गए और आपने दूसरी शादी भी कर ली। कमाल हो गया। विक्रम रॉय बाहर आ, बाहर आ धोखेबाज। शादी मुबारक हो मिस्टर विक्रम रॉय। शादी पे तुम्हारी पहली बीवी ने, मेरी माँ ने ये तोहफे भेजे हैं तुम्हारे लिए, ये लो। राहुल पागल हो गए क्या तुम? हाँ हाँ पागल हो गया हूँ मैं, क्योंकि तुमने मेरी माँ को धोखा दिया है, दगा दिया है उसे तुमने, इसलिए ये मंगलसूत्र भेजा है उसने, ये लो। आज तुम हमारे लिए मर गए हो विक्रम रॉय। ये तुम्हारी शादी नहीं, ये तुम्हारी शमशान यात्रा है, ये मेरी बद्दुआ है कि आज के बाद तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं। विक्रम पुलिस को बुलाओ, गेट हिम अरेस्टेड। किस इल्जाम में तुम पकड़वाओगे मुझे? मेरा गुनाह यही है ना कि मेरा बाप दूसरी शादी कर रहा है, इसलिए मैं पागल हो गया हूँ। हाँ बहुत हो चुका है, तुम अब घर चले जाओ, वरना वरना क्या, वरना क्या कर लोगे तुम? बंद करवा दोगे, जेल भिजवा दोगे? कर लो, जो कर लो, कर लो, बंद करवा दो मुझे, भिजवा दो मुझे, भिजवा दो जेल मुझे, बंद करवा दो मुझे, बंद करवा दो मुझे, बुलाओ पुलिस, बुलाओ पुलिस, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, लीव मी अलोन। हेलो पुलिस, यही बैठे रहो। शिंदे साहब को देना। जी साहब। इधर आओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, इधर आओ। तुम्हारे हॉस्टल के वार्डन पहुंचते ही होंगे, वापस जाकर फिर भागने की कोशिश मत करना। देखो तुम एक जवान लड़की हो, इस तरह रात को सड़कों पर भटकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। शायद अनाथ आश्रम की चार दीवारी में रही हो, इसलिए बाहर की दुनिया के बारे में मालूम नहीं, अंदाजा नहीं है तुम्हें। पांडे, I'm Ernie Campbell, hostel warden. I'm sorry for the inconvenience, sir. इस लड़की की वजह से आपको फजूल में तकलीफ हुई।
क्या मैं आपसे इस लड़की के हॉस्टल से भाग जाने की वजह पूछ सकता हूँ? आपकी खामोशी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। खैर, यह आपकी अमानत है, आप इसे ले जा सकते हैं। मगर एक बात याद रखिए, दोबारा यह हादसा ना हो। ओके? थैंक यू फॉर योर एडवाइस अनु, लेट्स गो। आई सेड लेट्स गो। आइए आपके साथ अकेले में कुछ बातें करनी। आइए। सावन, आजकल इस थाने में नौजवान कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं। इन्हें देखकर अपने बुढ़ापे का एहसास होने लगा। नहीं, बहुत गर्मी है, आग लगी है अंदर, तोड़फोड़ करना है, लोगों को मारना है। मुझे मारो, मारो मुझे, मैं कहता मारो मुझे। इतना ही दम है ना तुम में, है? साहब, आप मुझे इसी लॉकअप में बंद कर दीजिए। मुझे छोड़ दिया तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मेरे काबू में कुछ नहीं है, मैं किसी को मार डालूंगा। प्लीज, ऊपर से लिखवा के आए हो कि तुम सिर्फ सुखी सुख भुगतोगे, और तुम्हारे हिस्से का दुख कोई और भुगतेगा क्या? और तुम क्या समझते हो कि दुनिया में तुम सिर्फ अकेले हो जिसे बहुत तकलीफ है, बाकी सब सुखी हैं? तुम्हारे बाप की दूसरी शादी के मौके पर तुमने जो हरकत की ना, उसके लिए मैं उठा के तुम्हें अंदर बंद कर दूं तो तुम्हारी माँ का क्या हाल हो? ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा दादागिरी करते वक्त, और तुम्हें सोचने की जरूरत भी क्या है? लेकिन मैं करूं क्या? हा? उस आदमी ने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है, और मुझे इसी नफरत के साथ जीना होगा। बेटा, नफरत लोगों को जीने नहीं देती, ये मेरा अपना तजुर्बा है। संसार में अगर कोई चीज लोगों को जिंदा रखती है ना, तो वो प्यार है। प्यार। मैं तुम्हें अपने जिम्मे पे छोड़ता हूं। अपने अंदर प्यार जगाओ बेटा, प्यार, नफरत नहीं, प्यार जगाओ अपने अंदर। पूछ सकता हूं कि यहां आपको क्या तकलीफ है, और आप यहां से क्यों भागना चाहती थी, और यहां से भागकर आप क्या करना चाहती थी? जवाब दो। Do you hear me? Answer me! मुझे एक हैरत की जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे किसी की मेहरबानियां। मैं खुद कुछ बनना चाहती हूं, अपना जीवन खुद जीना चाहती हूँ, मेरा अपना कुछ पाना चाहती हूँ। लेकिन तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? हा? तुम्हारे पास ना ही शक्ल है और ना ही अकल। एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो,
तुम्हारा आने वाला कल उतना ही अंधेरमय है जितना तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। इस हॉस्टल से निकलकर तुम क्या कर सकती हो और तुम्हारा क्या होगा यहां से निकलकर? तुम कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर कुछ कर सकती तो हमें शर्मिंदा। उस इंस्पेक्टर के सामने मेरा सर नीचा हुआ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने यहां से भागने का गुनाह किया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर। शट अप! डोंट यू डेयर टॉक बैक टू मी। तुमने गुनाह किया है और अब तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारा खाना पीना तब तक बंद जब तक तुम यहां के सारे कमरों को साफ नहीं करते, नीचे से लेके ऊपर तक और रात से लेके सुबह तक। राहुल बेटा, कल रात जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र अब हम कभी नहीं करेंगे। बेटा, मरे हुए प्यार से ज्यादा मरी हुई कोई भी चीज इस दुनिया में और नहीं है। मैं मेरा मरा हुआ प्यार दफनाना चाहती हूँ, फिर से जीने की कोशिश करना चाहती हूँ। मेरी मदद करोगे? बज गए, फर्स्ट ट्रेन छूट जाएगी, मैं चलती हूं। थैंक यू। और हां, यहां पर इलेक्ट्रिक बिल पड़ा है और साथ में चेक भी, याद से भर देना नहीं तो बिजली कट जाएगी। अच्छा मां। चलूं मैं? गावस्कर, अरे मेरे कपिल देव भाई, मेरे बात सुन। ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये दो प्लेयरों के साथ नहीं खेली जाती, इसके लिए कम से कम 10-11 लोग चाहिए। तू चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और बॉलिंग कर। ये ले, आज सिर्फ तू और मैं खेलेंगे। सिर्फ दो जन? हाँ, बॉलिंग कर अच्छी तरह से यहाँ से। गॉड, मार दी ना सिक्सर, हो गई टेस्ट मैच खत्म। हाँ, मुझे मालूम था। चल पल्लो, चल फिर। ठहर, ये ले।
मैं जाके लाता हूं। इसको फील्डिंग का कब से शौक आ गया? ए भाई साहब, ये गोल गोल है, अंदर आना मना है, मालूम नहीं? बॉल ढूंढ रहा हूँ यार, बॉल लेकर चला जाऊंगा मैं। चलो जल्दी ढूंढो और जाओ। उठो 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 उठो। हाँ अनु चलो, कैंबल साहब याद कर रहे हैं। अरे चलो, नहीं नहीं तो नाराज हो जाएंगे। चलो बात है माँ, तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? बेटा राहुल, तुम्हें यहाँ कुछ बदला हुआ नजर नहीं आता? बदला हुआ नहीं तो, सब कुछ तो वैसा ही है, मगर इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है और तुमने ये कैंडल्स क्यों जलाई है? कैंडल कब जलाते हैं बेटा? ओ, किसी का बर्थडे है आज? नहीं, कैंडल्स तब जलाते हैं जब कोई समझदार नौजवान लापरवाह लड़का याद दिलाने पर भी इलेक्ट्रिक के बिल भरना भूल जाता है, तब कैंडल्स जलाते हैं, है ना? बिल? ओ, बिल। क्या? क्या क्या बोला? बिजली का बिल तूने लड़की के ऊपर फेंक दिया? हाँ? क्या वो भरने वाली थी? नहीं मास्टर, तुम समझते नहीं। सब समझ गया। देख, फर्स्ट यू सी गर्ल, पहले तुमने लड़की को देखा, बराबर? बराबर। देन सी सी यू, लड़की ने तुमको देखा, बराबर? राइट। फिर तुमने उससे कुछ बोलना चाहा, लड़की ने तुमसे कुछ बोलना चाहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया, बराबर? बराबर। फिर ये बिजली का बिल कहाँ से आया रे बाबा? मैंने उस बिल पर कुछ लिख के उसकी तरफ फेंक दिया और उसने उठा लिया। वेरी गुड वेरी गुड। बिजली के बिल पर तुमने कुछ लिख दिया और उसने उठा लिया। ग्रेट ग्रेट। तो अब तुम्हें वो बिल चाहिए, बराबर? हाँ बाबा, बराबर। सिर्फ बिजली का बिल वापस चाहिए या जो तुमने उस पर लिखा था उसका जवाब भी चाहिए? दोनों मास्टर, दोनों, वरना मेरे जीवन में सचमुच अंधेरा हो जाएगा। सीधी खड़े रहो, पीछे हो, तुम्हारी हाइट 1 इंच बढ़ गई है। कल पुलिस ने किसको पकड़ा था? अन्नू को। अन्नू को। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारा हो गया। अन्नू आओ, सीधी खड़े रहो, हाथ हाथ सीधा, हाथ सीधा, गर्दन ऊपर। वो बिजली का बिल तो वापस कर दो जी। सर जैसा कहेंगे कपड़े वैसे बनेंगे,
ना एक इंच ऊपर ना एक इंच नीचे। क्यों सर? वेरी स्ट्रिक्ट। चलो सीधे 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 खड़े रहो। वो लड़का राहुल बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छे घराने का है, लेकिन इस वक्त उसके घर में अंधेरा है। वो बिजली का बिल वापस कर दो, और हो सके तो दो चार लाइन जवाब में भी लिख दो। लिखोगे ना? वेरी गुड, मेरे को देना। आ गया मास्टर। राहुल, लगता है आज तो तेरा काम हो ही गया। ये ऊंट की चाली बता रही है कि आज तो साला जंग जीत कर ही आ रहा है। हाँ, अरे ये बड़े बाप के बिगड़े, तेरे को कितनी बार मैंने मना किया है कि मेरी कैंची से मत खेला कर। है? चल चल ला ला। और ये क्या, इसको भी काट दिया है? है? देख बे, ये मेरी रोजी है, और कोई मेरी रोजी से मजाक करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझा दे इसको। ठीक है ठीक है। हाँ, चल चल भाव खाना बंद कर और सीधे सीधे बोल, जवाब लाया कि नहीं लाया तू? अबे धीरे बोल, धीरे मरवाएगा क्या? अरे मास्टर, मरना तो हम सबने एक दिन। हाँ, मैंने, इसने, तूने। देख, देख फिर बोला तू। ये देख फिर बोला ये। इसको कितनी बार मैंने मना किया कि मेरे सामने मरने का नाम मत लेकर, लेकिन देख मेरे को मौत से बहुत डर लगता है, इसको समझाया मैंने, लेकिन ये मेरे को जानबूझ के डराता। देख, स्टॉप इट पल्लू। अच्छा अच्छा मास्टर, बताना क्या हुआ, बिल लाया? जवाब भी विजय, तू क्यों चल रहा है? है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खामोख। ये देख, टिकट टिकट। ठहरना यार, देना। पकड़ पकड़ ले, पकड़ से ये ले। ये तो बिल है यार, जवाब देना। राहुल, अगले शनिवार लाइब्रेरी के बाजू वाले क्लासरूम में मिलना 7:30 बजे। थैंक यू मास्टर। नॉट अगेन। मुबारक हो यार, मुबारक हो। अरे प्रेम कहानी शुरू हो गई रोमियो। लेकिन शनिवार तक तुम करोगे क्या? Thank you.
अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हमारे पवित्र चर्च में तुमको सिर्फ ये लिपस्टिक मिली? तुम क्या करना चाहते थी श्रृंगार करके? क्या सज धज के तुम अपनी मां की तरह किसी की आवाज का शिकार बनना चाहती थी? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था? वो खुद अपने कर्मों का बोझ नहीं उठा पाई, इसलिए वो ट्रेन के नीचे कूद कर मर गई। लेकिन तुम्हें अपने पाप को वो हमारे पास छोड़ गई पलने को। सब कुछ सचमुच हो रहा है या मैं एक सपना देख रहा हूं? चौकीदार ये क्लासरूम का दरवाजा क्यों खुला छोड़ देता है? क्लाइव। यस सर। सेंड इन माय ऑफिस एट 9 o'clock शार्प। ओके सर। चाहते तुम मुझसे? तुम्हारी चाहत। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि मेरा भविष्य तुमसे जुड़ा हुआ है। जब मेरा ही कोई भविष्य नहीं है तो मेरे साथ तुम्हारा क्या भविष्य हो सकता है? राखी देर में चिंगारी मत ढूंढो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। थैंक यू।
राहुल, मास्टर तेरे लिए फोटोग्राफ छोड़ गया है। मैं घर देरी से लौटूंगी, भूख लगे तो खाना खा लेना। क्या नाटक लगा रखा है इधर रात को? आया तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? ओह लव स्टोरी सावन, लव स्टोरी यहां अपना काम नहीं है। चल चलिए सर।
मैंने सिर्फ अपने जिस्म पर ही नहीं, अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा पर भी काट दिया है। अब मुझे तुम्हें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हाँ माँ, तुम भी नहीं। हो गया, बहुत बुरा हुआ। कल रात तुम अन्नू से मिलने हॉस्टल गए थे, हैं? गए थे ना? तुम्हारे जाने के बाद वार्डन साहब ने अन्नू को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब वो अन्नू को बंबई से बाहर ऊटी के किसी हॉस्टल में भर्ती कराने वाले हैं। ये लो चिट्ठी दी अन्नू ने, पढ़ो। राहुल, कल रात तुमने मुझे ये यकीन दिला दिया कि तुम जिस्म का नहीं दिल का रिश्ता चाहते हो। काश ये हो पाता। तकदीर मुझे तुमसे बहुत दूर ले जा रही है, शायद अब हम कभी ना मिलें। बाय। पल्लू, हम ऊटी जा रहे हैं। क्या ऊटी आना था बच्चे को? राहुल के बच्चे कहाँ है तू? पल्लू, पता चल गया। पल्लू का पता चल गया। वो गोरा साला अन्नू के साथ फनिल होटल में ठहरा हुआ है। अच्छा, मगर एक प्रॉब्लम है यार। अरे प्रॉब्लम अनेक है भैया, एक नहीं है। ठंड बहुत लग रही है मुझे। सुबह से 4 कप चाय और 2 क्वार्टर ब्रांडी के मार चुका हूँ मैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है मिलो तक। ओ शट अप यार पल्लो, वो गोरा साला अन्नू के साथ साय की तरह चिपका हुआ है। किसी भी तरह मेरा अन्नू से मिलना बहुत जरूरी है यार। और मुझे कितने दिन इस कमरे में बंद रखेंगे सर? दूसरे हॉस्टल कब ले जाएंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें यहाँ दूसरे हॉस्टल में दाखिल कराने लाया हूँ। दरअसल बात कुछ और है। मैं अगर बॉम्बे में तुम्हें ये राज की बात बताता तो तुम इतनी आसानी से मेरे साथ यहाँ ना आती। About time you learned the real reason why we've come here. मैं तुम्हारी शादी कराने तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हमारी यहीं की संस्था का लड़का है। लेकिन सर। लेकिन क्या? क्या? यही कि तुम उससे मिली नहीं हो ना? यही कि तुम उसे जानते नहीं हो ना? या ये कि तुम उससे प्यार नहीं करती? तो प्यार किसी और के साथ करते हो ना? प्यार तो तुम्हारी मां ने भी किया था, वो भी एक जाने पहचाने आदमी के साथ, और नतीजा क्या? तुम यतीम खाने में और वो बेचारी ट्रेन के नीचे। जो कहता हूं वो तुम चुपचाप सुन लो। आज रात को एक पार्टी होने वाली है। उस पार्टी में फिलिप आएगा तुम्हें देखने, और उसी पार्टी में मैं तुम दोनों की मंगनी करा दूंगा। ये ड्रेस लो और पहनकर तैयार हो जाओ। 1 घंटे के अंदर पार्टी शुरू होगी। लेकिन मरना उतना आसान नहीं है।
रही थी तुम? अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी तुम? आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी? क्यों अन्नो? क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं इस कैसे मुक्ति चाहती हूँ, मुक्ति। इस कैद से मुक्ति पाने के लिए तुम अपनी जान दे सकती हो, मगर इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकती। कौन है मेरा बाहर? कौन? मैं हूं अन्नू, और सदा रहूंगा। तुम बस एक बार अपने जहन की जंजीरों से पकावट करके तो देखो। अन्नू, तुम्हारे सामने एक नया आसमान पाए फैलाए खड़ा है। उठो, उसे अपनी मुट्ठी में ले लो। I love you, अन्नू। बहुत जी लिया तुमने इस तरह सहम सहम कर। मैं तुम्हारा उस पार्टी में इंतजार करूंगा। तुम उन सब के सामने, उस चल्लाद के सामने अपनी आवाज उठाओगी। उठो अन्नू, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भुना दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना, मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में।
जरूरत नहीं है, हम बहुत दूर आ गए हैं। क्या यही स्वर्ग है? बाबा मुझे क्या मालूम वो कहाँ है? तुम्हारे दोस्त के बारे में तुम्हें नहीं मालूम होगा तो किसे होगा? इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपको एक बात पूछूं? क्या आपको मालूम है कि आपका बाप इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? क्या? नहीं नहीं, सिर्फ पूछने के लिए है। आपको मालूम है? नो। एग्जैक्टली, तो मुझे कैसे मालूम होगा कि इस वक्त राहुल कहाँ है, क्या कर रहा है? सोचने वाली बात है ना। इट्स ऑल राइट, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। हवलदार, इस पे नजर रखो।
अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। को छुआ था ना इसी हाथ से, अब तो इस हाथ से किसी और औरत को नहीं छू पाएगा, किसी औरत को नहीं। अन्नो, 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 अन्नो।
कर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे न मिली मर जाऊंगा मैं सनम। किसी दिन चल, गाड़ी का बंदोबस्त हो गया, हम लोग को बॉम्बे पहुंचना है। कम ऑन, लेट्स गो। चलो अन्नू, राहुल पुलिस, राहुल राहुल भाग भाग, राहुल रन रन मैन रन, जस्ट रन। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम अन्नू को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, वो मेरी है, किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। अन्नू तुम घबराना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूं। अन्नू आई लव यू, अन्नू तुम्हें कुछ नहीं होगा, अन्नू आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अन्नू आई लव यू, अन्नू अन्नू तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूं। अन्नू तेरे को बोला ना कल आने के लिए, अब की बार उसे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। सर तुम्हें जमानत पे छोड़ा जा रहा है, मगर ऐसी गलती दोबारा मत करना, समझे? हजार बार करूंगा ये गलती, और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है इंस्पेक्टर साहब। क्या क्या कहा तुमने? इंस्पेक्टर साहब आप बैठिए, आप बैठिए। ये दिमाग खराब हो गया तेरा? इंस्पेक्टर साहब से ऐसी बातें करता है, शर्म नहीं आती? एक उल्टे हाथ का लगा के दूंगा ना, सीधा हो जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात का बरमत मानिए, ये ठंडी की वजह से इसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। वैसे ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। अच्छा मैं आपको जबान देता हूँ, मेरी ये आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मैं उसको आज के आज अभी यहाँ से ले जाता हूँ। ले जाओ इसे, इसी वक्त ले जाओ। अबे निकल यहाँ से, ये पलटी मारे उसके पहले निकल यार। सर चलता हूँ, सर चलता हूँ। पता नहीं अन्नू का मुंबई में क्या हाल हुआ होगा यार, समझता क्यों नहीं तू इतना। अच्छा सर, थैंक यू सर, बाय उठी बाय, थैंक यू सर। अनु, अब तुमने जो भी कुछ किया है वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि इस संस्था की मैनेजिंग कमेटी को जाती तौर पर तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुमको और एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन अनु एक शर्त पर, बीते हुए दिनों में
तुमने राहुल के साथ जो भी बेहुदा हरकतें की हैं, उनका और राहुल का ख्याल तक दिल से निकाल देना होगा। यहां के पवित्र वातावरण के लिए तुम्हारा यह करना बहुत जरूरी है। अब बोलो अनु, तुम्हें मंजूर है कि नहीं? सर, मैं जानती हूं कि मैं अब आप लोगों पर बोझ बन चुकी हूं। शायद आप लोगों में इस बोझ को सहने की ताकत है, लेकिन मेरे सामने जो आपने शर्त रखी है उसका बोझ सहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। लगता है वक्त आ गया सर कि मैं अपने किए का अंजाम स्वीकार कर लूं। हमारी जानकारी के मुताबिक तुम्हारा एक ही रिश्तेदार है और वो भी दूर का। अब उससे मिलकर और उसकी हालत देखकर शायद तुम्हारा यहां से चले जाने का इरादा बदल जाए। नो, वेरी वेल, तो इनसे मिलिए। आप हैं अंकल पीटर। घबराओ मत अनु, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाहर की दुनिया में कदम रखते ही तुमको पता चल जाएगा कि जिंदगी किस बेरहमी से मुश्किलों का सामना कराती है। और याद रखना, ये जो इश्क का फुतूर तुम्हारे सर पर सवार है ना, इसे अगर भूख मरी भी नहीं उतार पाई तो वक्त जरूर उतार देगा। ऑल द बेस्ट। अनु कहाँ है? How dare you come in here like this? अनु को कहाँ भेजा है आपने? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही आशिक हो जिसने चिल्ला चिल्ला कर वादियों को सुनाया था कि तुम अनु को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालोगे। तुम्हारी प्यार की ताकत को क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान गए? ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि अनु कहां है। ओके ओके, परेशान होते हो तो मैं बताता हूं, लेकिन इतनी आसानी से बताकर मैं तुम्हारी मर्दानगी का अपमान नहीं करना चाहता हूं। हाँ, अब बंबई शहर के इस इलाके में अनु का अंकल पीटर रहता है। अब अनु उस शराबी कबाबी किस्म के आदमी के साथ रहती है, तो जाओ इन सड़कों पर भटको, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओ, शायद वो तुम्हारी आवाज सुन ले। हैं अनु, अनु क्या कर रहा राहुल, पागल हो गया क्या? पागल हो जाऊंगा मैं अगर वो नहीं मिली तो। राहुल, इस तरह चिल्लाने चीखने से तो अनु नहीं मिलेगी ना। हाँ, अगर मेरी आवाज में, मेरे प्यार में जरा सी भी शिद्दत है तो वो मेरी आवाज जरूर सुनेगी, जरूर। अनु,
देखो पीटर, मैं किसी भी हालत में अन्नू को तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बोलता है मेंट, तुम कैसे रहने नहीं देगा? हम उसका लीगल गार्डियन है, हमारा हक बनता है उसके ऊपर। ए मामा, अरे खुद का तो पेट नहीं भर सकता, उसको क्या खिलाएगा तू? हैं? अरे वो हमको खिलाएगा, दुबई दुबई भेज दिया ना तो फिर पैसा ही पैसा है। दुबई भेजना बहुत आसान काम है क्या? अरे दुबई नहीं गया तो क्या हुआ, अपन इधर फिल्म इंडस्ट्री में उसको एक्स्ट्रा बनाकर खड़ा कर देगा। एक दिन का 50-60 रुपया किधर नहीं गया, अपने जैसे भेड़े के लिए 50-60 रुपया बहुत होता है। वो कमाएगा और हम खाएगा। सर तोड़ दूंगा मैं तेरा। एक मिनट राहुल, राहुल रिलैक्स, उठाकर यहाँ से नीचे फेंक दूंगा अगर ऐसी बातचीत हो, समझे? ओके, दादागिरी करता है, दादागिरी करता है। हम पुलिस को बुलाएगा, कोर्ट कचहरी करेगा, बोल देता है वो हमारा प्रॉपर्टी है लड़की, हम उसको नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, एक मिनट यार, नहीं जाने देगा उसको। चुप रहना, एक मिनट। रिलैक्स राहुल, रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन। ओके, इसकी भाषा मैं बराबर समझता हूँ, गुजराती हूँ ना मैं, जस्ट रिलैक्स। देख पीटर, बात सुन, अपन तेरे को 10,000 देगा, बस 10,000 देगा, इससे ज्यादा नहीं, तू लड़की को भूल जाने का। 10? चल 15। अच्छा चल 20 फाइनल, हाँ इससे ज्यादा मांगना नहीं। चल ये ले, ये 10, ये 20। ए पैसे को पहले हाथ मत लगा, पहला पेपर साइन कर। ए मास्टर, पेपर लाना। चल साइन कर इधर। अरे पैसे को बोला ना हाथ नहीं लगाने का, साइन करने का पहले, इधर। चल चल फोट।
अरे फुट ना। अरे आप क्या हाँ? Now you're free। अरे तुम आजाद हो अब। ये रफू मास्टर, ये मास्टर यही तुम्हारा गार्डियन है अब। हाँ पीटर तो गया, वो तो पेपर साइन करके चला गया। अरे अब तुम्हारा जहाँ जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जहाँ जी चाहे रहो। अनु अब मेरी माँ के साथ रहेगी, मेरे घर में। नहीं राहुल, मैं तुम्हारी माँ पे बोझ नहीं बनना चाहती। वहां ऑर्फनेज में थी तो उन पे बोझ थी, बाहर आई तो तुम लोगों पे बोझ बन गई। नफरत सी होने लगी है मुझे अपने आप से। कब तक दूसरों के एहसानों पे जीती रहूंगी मैं, कब तक? तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे इसमें क्या है? अरे पहली बार मेरे बाप का पैसा कहीं अच्छी जगह यूज हुआ है। हाँ? क्या बोलते राहुल? मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, मुझे किसी हॉस्टल में कमरा दिलवा दीजिए और एक नौकरी, बस। वाह क्या खुददार लड़की है भाई, वाह बेटी वाह, क्या बात कही है तूने। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम।
जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। पदम सिंह, मद्रास दिल्ली और कलकत्ता के तो सिलेक्शन हो गए हैं मगर अभी तक हमें बंबई से कोई सही लड़की नहीं मिल पा रही है। ये सब क्या हो रहा है? सब हो जाएगा सर, जस्ट रिलैक्स प्लीज। कब होगा मिस्टर पदम सिंह, कब? Will you please get up? Get up. Yes. This is the face. Mr. Padamsi. Yes, sir. She must be there for the audition. Talk to her. Lucky girl. क्या मैं पूछ सकता हूँ मामला क्या है? Sure, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आप मिस्टर राहुल राहुल रॉय सर और ये मिस अन्नू वर्गिस है। नाइस टू मीट यू बोथ। वेल यू सी ये मिस्टर पॉल थे पेरिस की जां कार्डियन कंपनी की ओर से हिंदुस्तानी मॉडल सिलेक्ट करने के लिए यहां आए और उनके मुताबिक तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हो अगर तुम चाहो तो। मगर मैं तो यहां टाइपिस्ट की नौकरी ढूंढने आई थी। टाइपिस्ट? तुम जानती नहीं हो अगर तुम सिलेक्ट हो गई तो कहां से कहां पहुंच जाओगी। ओनली स्काई इज द लिमिट। मगर मैं सब सोचने का वक्त नहीं है, ऑडिशन अगले हफ्ते ही है। थैंक यू मिस्टर पदम सिंह, अनु जरूर हिस्सा लेगी। थैंक यू। बात है यार, चाल है। ये भी कोई पहनावा है? चुड़ैल लगती है चुड़ैल। वो देख मास्टर, वाह। क्या कुत्ते की तरह बाव बाव करता है? अबे बिगड़े, हमारी अन्नू को आने दे, सबकी छुट्टी कर देगी, सबकी छुट्टी, समझा? हम सब जानते हैं हम आज यहां पेरिस की फैशन कंपनी जां कार्डियन के लिए हिंदुस्तानी मॉडल सिलेक्ट करने के लिए यहां पर हम सब जमा हुए हैं। एक खास बात, जां कार्डियन कंपनी की ओर से चुनी हुई मॉडल लड़की को 1,00,000 रुपए एडवांस दिया जाएगा और रहने के लिए एक फ्लैट और साथ ही साथ यूरोप की यात्रा मुफ्त। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए। आज जिस मॉडल को हमने सिलेक्ट किया है उस मॉडल का नाम है मिस
अनु वर्गिस। कंग्रेचुलेशन। बचपन में कहानी सुनी थी एक सपनों के राजकुमार की, जिसने एक अनाथ बदसूरत सहमी हुई लड़की का हाथ थामा और उसे परी बना दिया। परियों की कहानियां भी सच होती हैं। मेरे साथ हुई, मुझे मेरे अपनेपन का एहसास दिलाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया मेरे राहुल ने। राहुल, मेरे पास यहां आओ, इस भीड़ के सामने मेरा हाथ थामो। राहुल,
और रहा नहीं जाता। चलो हम शादी कर लेते हैं। जब तुम चाहो। आई लव यू अन्नू। जितना सुना था उससे बेहतर पाया है जी। मैं राहुल की माँ हूँ। ओ आप अंदर आइए ना। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लेना बहुत अच्छी बात है बेटी। दरअसल हम औरतों का अपने पैरों पर खड़ा होना ही बहुत जरूरी है। मेरे पास नौकरी नहीं होती तो मेरा क्या? काम करना नहीं छोड़ना बेटी। आप चाय लेंगी या कॉफी? कुछ नहीं अनु, बैठो। देखो अनु, मैं राहुल की माँ हूँ। तुम दोनों का बुरा नहीं चाहूंगी, लेकिन तुम दोनों ये शादी की जो जल्दबाजी कर रहे हो ना, वो तुम्हारे प्यार के लिए, तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत बुरा है। जी मैं कुछ समझी नहीं। तुमने कभी ये सोचा है कि राहुल तुम्हें मुझसे मिलाने अभी तक क्यों नहीं लाया? जी देखो अनु, राहुल सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ बोल सकता है, मगर मुझसे नहीं। वो ये जानता है कि वो अब तक कुछ बन नहीं पाया है। वो ये भी जानता है कि अचानक तुम दोनों के बीच एक फासला हो गया है। अनु, तुम उससे कहीं ज्यादा कमाती हो। सोसाइटी में तुम्हारा नाम है, अपनी एक पहचान है, मगर राहुल दुनिया तो उसे सिर्फ उसी नजर से देखती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, एक कामयाब मॉडल का होने वाला पति। माँ जी बात कड़वी है बेटी, मगर यही हकीकत है। और अगर तुम हकीकत को बदलना चाहती हो तो राहुल को थोड़ा सा वक्त दो। मैं जानती हूँ उसमें वो गुण है, काबिलियत है कुछ बनने की। अनु, राहुल तुम पर शादी का दबाव डालेगा क्योंकि तुम्हारे कुछ बन जाने के बाद तुम्हें खो जाने का डर उसे दिन रात घेरे रहता है। एक तजुर्बे की बात कहती हूँ बेटी, रिश्ता वही सफल हो सकता है जिसमें दो लोगों के बीच बराबरी हो। बस मुझे इतना ही कहना है और कुछ नहीं। हाँ, और राहुल से ये नहीं कहना कि हम दोनों के बीच ये बात हुई है, वो समझ नहीं पाएगा। ओके राहुल, अनु को मेरी तरफ से हाय बोलना। ओके ओके बाय। अरे एक मिनट रुक पल्लो। यार 100 रुपया देना। हाँ यार। क्या है कि अनु को बाद में घर भी छोड़ना पड़ेगा यार, टैक्सी करनी पड़ेगी। ले यार। अच्छा इसे मिलाकर मुझे तुझे देने हैं 26,535 रुपए। ओके राहुल यार, तुझे इतनी बार बोला, दोस्ती में हिसाब नहीं किया करते, तुझे और चाहिए और ले ले। नहीं नहीं इतना ही काफी है यार। क्या है कि अब अनु बड़ी मॉडल बन गई है यार, उसे भीड़ में बस में और ट्रेन में ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझसे पैसे लेना ठीक है यार, लेकिन एक लड़की खास करके अपने होने वाली बीवी की तरक्की का फायदा उठाना यार अपने से बर्दाश्त नहीं होता। I understand. Okay. Thanks, यार. Bye. See you. Bye. Anu, turn this side. Turn left. More alive. Close up. Vibrant. Yes. Excuse me. Again. किससे मिलना है आपको? मैं अनु से मिलने आया हूँ। इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। देखिए देख रहे हैं? पूछ लीजिए, मैं उनके साथ। वो इस वक्त कितनी बिजी है। आप मेहरबानी करके बाहर जाइए, प्लीज आप बाहर जाइए। अनु। सलील, he's with me.
सलील, यू स्टूपिड डोंकी, समझ में नहीं आता किसके साथ कैसी बातें करते हैं। कम हियर, सिट डाउन हियर। सॉरी राहुल, वी आर रियली सॉरी। इट्स ऑल राइट। या ब्राइटर, दिस साइड प्लीज। वेट 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 वेट, टेक योर हैंड बैक प्लीज। यस, दैट्स इट। लेट मी डू दैट्स It's okay, thank you. मैं कर लूँगी. Let me do it. Well. No thanks. That's it. Okay, close up. Close up. Come on. Okay, hold on. Anu, now get into the swimming costume. Come on, hurry up. Ji. Come on. Swimming costume? Anu, वो swimming costume नहीं पहनेगी. Hello. तुमसे किसने पूछा? प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, हमें अपना काम करने दो। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन मैंने कह दिया है अन्नू वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगी। मिस्टर परमसी, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई से व्हाट्स गोइंग ऑन? राहुल, राहुल कम ऑन, इट्स ऑल राइट राहुल, इट्स ऑल राइट, टेक इट इजी राहुल। चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक एक कप कॉफी पीते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। नो अन्नू, तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। राहुल, होल्ड इट। तुम होते कौन हो ये कहने वाले? अनु, अनु बताओ इन सबको कि मैं कौन हूँ, बताओ अनु। राहुल, okay? राहुल प्लीज, अगर तुम नहीं बताती तो मैं बताता हूँ। मैं अनु का होने वाला पति हूँ और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या बोल रहा है अनु? तुमने उसे समझाया नहीं कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक और दो साल तो तुम शादी नहीं कर सकती। लेकिन सर मैं, खलील वो कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल लाओ। कौन हरिया? क्या ये बात सच है? तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मुझे बताए बगैर, और मैं एक बेवकूफ की तरह यहाँ शादी के ख्वाब देख रहा हूँ? तैयारियां कर रहा हूँ मैं। राहुल प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी बाद में। बाद में नहीं, अभी अभी बताओ मुझे ये सब क्या हो रहा है, क्यों किया तुमने ऐसा? राहुल तुम तो जानते हो कि मेरा कुछ बनना, कुछ जिंदगी में हासिल करना कितना जरूरी है, और फिर कुछ बनने के लिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ा। ठीक है, तोड़ दो इस कॉन्ट्रैक्ट को, छोड़ दो इन सबको, चलो मेरे साथ अनु। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना इतना आसान नहीं है राहुल। मैं अनु से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं, तुम बीच में मत बोलो, समझे? चलो अनु, चलो मेरे साथ। नहीं राहुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया मैं, सब समझ गया मैं। Don't worry, Anu. You have done the right thing. इसमें तुम्हारी और हमारी दोनों की भलाई है। तुम नहीं समझोगे। ये सब ना मैंने अपने लिए किया है, ना उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये सब मैंने राहुल के लिए किया है, उसके लिए।
मैं तुमसे उस दिन मिलूंगा जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा। अगर कुछ बन ना पाया तो मुझे भूल जाना, हमेशा हमेशा के लिए, राहुल। राहुल, राहुल, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। वाह दरफुरदार, बहुत खूब। आज तुम्हारी आवाज में वो शिद्दत, दिल में वो दर्द है जिसकी मुझे तलाश थी। आखिरकार इश्क और दर्द, जिंदगी के इन दो महासुरों से तुम्हारा परिचय हो ही गया। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? इस नाचीज को बशीर खान कहते हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज की तरफ से मेरा काम है नए कलाकारों को रास्ता दिखाना। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे जायज मकाम तक पहुंचाऊंगा। आओ। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की दे वफाई, मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था किसी दे वफा से, वफा चाहता था तू जाने क्या बेकरारी, जो दर्द बे मुरावत जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत अब मैंने जाना तुझको बेरहम। अब तेरे जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। कैसा है तू? बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी ना, कुछ बोलना यार। क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोलना यार। क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूँ यार। देख पल्लू, मैं तुझे सालों से जानता हूँ, बनने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ। बाय। सनम तोड़ दे मोहब्बत के वादे, अगर जान जाता मैं तेरे इरादे, किसे मैंने चाहा कहाँ दिल लगाया, मैं नादान था कुछ समझ ही न पाया, मेरे आंसुओं के मोती आंखों में बहता पानी, मेरे टूटे दिल के टुकड़े तेरे प्यार की निशानी, कैसे मैं भूलूंगा तेरे सितम। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल
my God. I'm really sorry, Anu. Please, I'm sorry I kept you waiting. Only 2 minutes, okay? 2 minutes or. 2 minutes? What do you mean? देखिए मिस्टर पद्मसी, आज आपको मेरे चार म्यूजिक अल्बम्स का आर्ट वर्क फाइनल करना ही होगा। रिलैक्स मिस्टर बशीर, जस्ट रिलैक्स। आप ये सब चीजें इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं? अच्छा एक काम कीजिए, आपके जो वो सिंगर्स की तस्वीरें हैं और बाकी की डिटेल्स हैं वो तो दिखाइए। हियर। ये मैं क्या देख रहा हूँ बशीर साहब? क्या राहुल रॉय, आप इसकी रिकॉर्ड बनाने वाले? हाँ तो क्या हुआ? कमान बशीर साहब, आप इस 2% के सिंगर को कहाँ अपने गले में फांस रहे हैं? नाउ लुक मिस्टर बशीर, वैसे भी मैं आपका मार्केटिंग एडवाइजर हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एडवाइस दूँ कि ऐसी गलती आप ना करें, वो आपकी कंपनी की इमेज के लिए बुरा हो सकता है। मिस्टर पद्मसी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। जस्ट वन मिनट। I said, come with me. क्यों? I want to talk to you. क्या हुआ? एक छोटा आदमी अपने ओछेपन का सबूत तब देता है जब वो बेवजह किसी की काबिलियत पे शक करता है। क्या? मैं जानती हूँ तुम राहुल से नफरत क्यों करते हो। मैं राहुल से नफरत करता हूँ क्योंकि मुझसे बैर लेने वाले को इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी छोड़ नहीं सकता। मेरे होते हुए तुम तो क्या सारी दुनिया भी मेरे राहुल का पाल बांका नहीं कर सकती। मिस्टर पद्मसी, अगर तुमने मेरे राहुल के रिकॉर्ड को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा के चली जाऊंगी। मुझे धमकी मत दो अनु, धमकी मत दो। क्या करी हो तुम? आपका इस चेहरे पे बहुत कुछ लगा है ना, तो जाओ राहुल का रिकॉर्ड रिलीज करवाओ, वरना मैं इस चेहरे को आग लगा दूँ। नहीं, जाओ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ राहुल रॉय, भाई मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, कहाँ गायब हो गए मियाँ इतने दिनों से, हाँ नजर ही नहीं है। बस यू ही सर। हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, अगर हो सके तो। कुछ रुपए? जी हाँ, कुछ 1,000 रुपए हो जाए तो। बस 1,000 रुपया? मतलब तुम जानते नहीं? क्या नहीं जानता सर? अरे देखो भाई देखो, हा? देश के कोने कोने से हमारे सेल्स एजेंट्स के टेलीफोन आ रहे हैं, तुम्हारा गाना सुपर हिट हो गया है, बरखुरदार सुपर हिट, इसीलिए तो आज चेयरमैन साहब तुम्हें 1 गोल्ड डिस्क और 2,00,000 रुपए का चेक देने वाले हैं। अब तुम हजारों की बातें नहीं मियां, लाखों की बातें करो, लाखों की। हेलो हेलो, फूल मिल गया तुम्हें अनु? जानती हो किस खुशी में मैं स्टार बन गया हूँ अनु, स्टार बन गया हूँ। और आज शाम सुपर कैसेट की ओर से मुझे 2,00,000 का चेक और एक ट्रॉफी मिल रही है। मैंने पल्लो मास्टर और मां तीनों को फोन कर दिया अनु, वो तीनों हमें सीधे फंक्शन पर ही मिलेंगे। मेरे वादे के मुताबिक मैं आ रहा हूँ अनु, खाना खाऊंगा मैं तुम्हारे साथ और फिर हम दोनों फंक्शन पर चलेंगे। ओके I love you Anu, I love you. I love you Rahul, I love you. सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सांस चाहिए।
शायद मुझे या यूं देखकर आपको हैरानी तो हुई हुई होगी, है ना? हाँ? नहीं? इनफैक्ट मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, इसलिए यहाँ यूं आदम का सरप्राइज क्या है तुम जानती हो? वेल बात ही कुछ ऐसी है। Anyway, अब तुम्हें तड़पाने से क्या फायदा? In 15 days time you are going to Paris. तुम पेरिस जा रही हो, इसलिए मेरे तरफ से ये छोटा सा तोहफा प्लीज। ओ, यानी पेरिस वाली बात तुम तक पहुंच चुकी है। आई एम लेट, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट। सॉरी सर, आपको जाना पड़ेगा। कोई आ रहा है। ये फूल राहुल की कामयाबी के हैं, वो खाने पे आ रहा है। यानी कि मैं गलत टाइम पे आ गया। एक बात सुनो, 15 दिनों के बाद तुम मेरे साथ पेरिस जा रही हो, और सुनो, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, इस राहुल के साथ तुम्हारा मिलजोल जितना कम हो उतना ही तुम्हारी करियर के लिए अच्छा होगा। आज के बाद मेरा करियर और मेरी जिंदगी राहुल है, मैं उससे प्यार करती हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। नहीं! तुम अच्छी तरह से जानती हो अनु कि तुम और 2 साल तक शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। जो करना चाहो कर लो मिस्टर पदक, आई डोंट केयर। मेरा राहुल बहुत बड़ा सिंगर बन गया है, वो लड़ेगा शादी के बाद केस कोर्ट में। मैं हारने वालों में से नहीं हूं अनु, भारी पड़ जाऊंगा तुम दोनों को, याद रखना। मिस्टर पदमसी, इसे भी लेते जाइए, इसके लिए यहां कोई जगह नहीं है। मिस्टर राहुल रॉय, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक्स। बाय द वे, मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये मुबारकबादी तुम्हें देनी चाहिए या तुम्हारी उस होने वाली बीवी को। मैं अनु की बात कर रहा हूँ। बात एक ही है सर। बात तो एक ही है, बियॉन्ड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, वो बात आज तुमने साबित कर दी। क्या मतलब? कम ऑन राहुल, सब समझते हो लेकिन बनते हो, तुम इतने भोले नहीं हो। कम टू द पॉइंट मिस्टर पदमसी, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुमने अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए अनु का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया। डांट देता हूं मैं तुम्हें इस बात की, लेकिन अगर उस रोज अनु ने मुझ पर जोर नहीं दिया होता तो शायद तुम्हारी वो रिकॉर्ड आज रिलीज नहीं हुई होती और तुम वहीं होते, उसी होटल में गाना बजाया करते। अगर शुक्र मानना है तो अनु का मानो, जिसकी वजह से आज तुम कुछ काबिल हुए हो। नो, मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। झूठ बहुत दिनों तक चलता नहीं है राहुल, और क्योंकि ये सच है, आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आ ही जाएगा। वेल एनीवे, शायद उस वक्त तक तुम औरतों के सहारे जीने के आदि हो चुके होगी। स्टॉप इट, मुझ पर क्यों बिगड़ते हो तुम? अगर ये सब बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो जाओ बिगड़ो अनु पर, उसे जाकर पूछो क्यों कालिख लगाई उसने तुम्हारी इस कामयाबी पर। गिरेबान पकड़ना है तो उसका पकड़ो, मेरा नहीं, समझे? बड़े मर्द बने फिरते हो, अगर हिम्मत है तो ठुकरा दो उसके दिए हुए दान को। हाँ, मार दो लात उसे, जाओ।
कहां चले गए थे तुम? मुझे छोड़ के अब फिर कभी नहीं जाना। राहुल, राहुल, यू हर्टिंग मी। क्या मिला तुम्हें मुझे इस तरह दलील करके? क्या राहुल, ये क्या मजाक है राहुल? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मजाक किया था तुमने मेरे साथ? हाँ, क्यों किया था तुमने? क्यों? क्या हो गया है तुम्हें राहुल? तुम कहना क्या चाहते हो? ओह, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट! पदम सिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारा कोई भी नाटक मेरे सामने नहीं चल सकता, समझी? अन्नू, आज तुमने मेरी खुददारी, मेरी गैरत, मेरी हस्ती को दो कौड़ी का कर दिया है। मेरी जिंदगी में तुमने हमेशा हमेशा के लिए जहर घोल दिया है। क्या मांगा था मैंने तुमसे? हाँ, क्या क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी मेहरबानियों की भीख मेरी झोली में डालने की? यकीन नहीं हो रहा है मुझे, मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। आई हेट यू, आई हेट यू। नो, वहीं खड़ी रहो तुम, मेरा पीछा मत करना, समझी? बजने को याद आया। क्या बात है? राहुल अभी तक नहीं आया। हमारे चेयरमैन गुलशन कुमार जी आते ही होंगे बस। बशीर साहब, ये राहुल की माँ है। वो अपने फ्रेंड को लेने गया है। हाँ, बस आता ही होगा। पल्लू, तुझे जरा फोन करके दे, शायद आता होगा। हाँ, जाओ। अच्छा, हाँ। माँ, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते जी। आइए, वेलकम। नमस्ते, आइए गुलशन कुमार जी, आइए आइए। कहाँ गया होगा ये? कोई उठा नहीं रहा है? नहीं, कोई उठा नहीं रहा। अब क्या करें? पता नहीं कुछ। अब इंतजार की भी कोई हद होती है मिसेज रॉय? अब तो चेयरमैन साहब भी आ चुके हैं। बहुत शर्मिंदा किया इस लड़के ने मुझे आज। मैं माफी चाहती हूँ, आप ही बताइए अब क्या करें। खैर, मैं फंक्शन शुरू करता हूँ। राहुल की जगह पर आप ले जाइए चेक। मैं? हाँ हाँ माँ, जाइए आप ले लीजिए जी। ओके, मैं शुरू करता हूँ। मिस्टर पदम सिंह, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं पेरिस जाने के लिए तैयार हूँ। राहुल है वहां पे? अजी, मैं उसका दोस्त पल्लू बोल रहा हूँ। रात भर कहां था तू? हाँ, चांदुम में। तुमसे मतलब? आउट, बाहर। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सबके सामने हमें जलील करता है, हमें नीचा दिखाता है। ये ले तेरे पैसे, जायश कर, मनमानी कर, जस्ट गो टू हेल। माँ, यू कीप आउट ऑफ इट। जानते हो ये हम सब पे इतना रौब क्यों जमाता है? क्योंकि हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं, जरूरत से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाप ने भी यही किया, मगर क्या हुआ? उसके चले जाने के बाद क्या मैं मर गई? राहुल, कोई भी रिश्ता कितना भी महान, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती।
अन्नू तुम्हारे बगैर मर नहीं जाएगी। बस उस बदसाप का नाम मेरे सामने मत लो माँ। खबरदार, अगर तुमने उसको गाली दी तो जबान खींच लूंगी। तुमको पता है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? हाँ जानता हूँ, इसलिए तो मर जाने को दिल करता है। तू कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। अनु ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पे किया है। मैंने ही उसे कहा था कि जब तक तुम कुछ ना बनो तब तक वो तुमसे शादी ना करे, और उसने मेरी बात मान ली। वो तुम्हारे सामने बुरी रही मगर उसने सच बात नहीं बताई। और ये पदमसी वाला किस्सा, क्या जरूरत थी मुझ पर उपकार करने की, मुझे कामयाब बनाने की? कोई किसी को नहीं बनाता राहुल, अनु ने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है तुम्हारी आवाज लोगों तक पहुंचाने की। कामयाब तो तुम्हें लोगों ने बनाया है, आवाम ने बनाया है। अगर तुम में इतना गुण नहीं होता तो क्या आज तुम इस मकाम तक पहुंच जाते? तुमने प्यार में अनु को कितना कुछ दिया है, और एक बार उसने लौटाया तो तुम्हारे अहंकार को इतनी तकलीफ पहुंची। अनु का प्यार सच्चा है बेटा, उसका अपमान मत करो। सच्चा प्यार जीवन में बार बार नहीं आता है राहुल, उसे रोको। वो पेरिस जा रही है, उसे रोको, उसे घर ले आओ। चाहो राहुल, राहुल राहुल तुम्हारे और अनु के बीच में जो दीवार खड़ी है वो खुद तुम हो, तुम्हारा अहंकार है। तोड़ दो उसे, तोड़ दो राहुल, वरना पछताओगे। आज पता चला कि ये जग माँ को क्यों भगवान कहता है। मैं जाता हूँ माँ, तेरी अन्नू को लेकर आता हूँ, घर लेकर आता हूँ माँ। आगे से हट।
Paris are requested to proceed to a demonstration. तुम ये सब क्या है? क्या ये? सब कुछ बताता हूँ सर, मगर एयरपोर्ट पहुँचना बहुत जरूरी है सर, वरना वो लड़की निकल जाएगी। कौन वो डॉक्टरियली? हाँ सर, कुछ कीजिए सर, जल्दी कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, जल्दी कुछ कीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब, बहुत तेज चलाइए, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। चलो अनु, चलो। सर, बीए फ्लाइट 316 में मिस अनु वर्गिस है, उन्हें एक मैसेज देना है अर्जेंटली। मैं आपसे बोल रहा हूं और आप सुन नहीं रहे? जिस फ्लाइट की आप बात कर रहे हो अभी अभी यहां से टेक ऑफ कर चुकी है, समझे? क्या जानम जाने जा पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे बहुत दूर चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो कभी दूर नहीं गई थी तुमसे। लव स्टोरी है, आशिकी। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी।